गाइज, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ऑफिस सामान डिलीवर करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक लोडर परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो इलेक्ट्रिक लोडर के बारे में जिसमें आपको 140 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल जाता है और इसके जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको 350 केजी से लेकर के 500 केजी तक का देखने को मिल जाएगा। और गाइज, इसमें से एक इलेक्ट्रिक लोडर जो है वो आपको टू व्हीलर में देखने को मिल जाता है और एक इलेक्ट्रिक लोडर आपको थ्री व्हीलर में देखने को मिल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि ये एक नॉन आरटीओ व्हीकल है तो इसको चलाने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर से रिलेटेड आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और इस पर भी बात करेंगे कि इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ये है कुमाके कंपनी की तरफ से आने वाले कुमाके कैट 2.0 जो आपको टू व्हील में देखने को मिल जाता है और इसी का अपग्रेडेड वर्जन कुमाके कैट 3.0 जो आपको थ्री व्हील में देखने को मिल जाता है। गाइज, कुमाके कैट 2.0 की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको 350 केजी तक का देखने को मिल जाता है और कुमाके कैट 3.0 जो है इसकी आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 केजी तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर के जो बॉडी पैनल्स बने हुए गए जो सारे के सारे मेटल से बने हुए हैं, कहीं पर भी फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गाइज, कुमाके कैट 2.0 के रेयर में आपको फोल्डेबल सीट देखने को मिल जाता है जिसकी एरिया आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं और बीच में भी अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाता है जहां पे आप सामान को रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट में भी एक टोकरी दिया गया है जहाँ आप 20 केजी तक का सामान आसानी से रख सकते हैं। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की तो फ्रंट में टेलीस्कोपी सस्पेंशन दिया गया है और गाइज रेयर में 6-6 स्प्रिंग शॉक ऑब्जॉर्बर दिया गया है जिससे हैवी लोड के बाद भी इलेक्ट्रिक लोडर दबेगा नहीं। बात करें टायर की तो इसमें दोनों के दोनों ट्यूबलेस टायर दिया गया है अलॉय व्हील के साथ और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर बात करें कुमाके कैट 3.0 की तो इसके पीछे में एक बड़ा सा फ्लैट वेट दिया गया है जहाँ पर आप 400 केजी तक का सामान आसानी से रख सकते हैं और बीच में भी अच्छा खासा गैप दिया गया है जहाँ पर आप सामान को रख सकते हैं। कुल मिलाकर इस इलेक्ट्रिक लोडर में आप 500 केजी तक का सामान आसानी से लोड कर सकते हैं और चूंकि ये इलेक्ट्रिक लोडर थ्री व्हील में आती है तो हैवी लोड के बाद भी इसका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आप 500 केजी तक का सामान आसानी से लेकर चल सकते हैं। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपी सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, रेयर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। टायर की बात करें तो इसमें आपको तीनों के तीनों 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा अलॉय व्हील के साथ और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके तीनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर की बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर की तो कुमाके कैट 3.0 में आपको टू टाइप्स का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, एक आपको ग्राफिन बैटरी पैक देखने को मिलेगा और एक आपको लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, दोनों का कैपेसिटी सेम ही देखने को मिलेगा, दोनों में आपको 72 वोल्ट 60 एज का बैटरी पैक दिया गया है लेकिन गाइज दोनों के रेंज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइज, जो आपको लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ देखने को मिलेगा उसमें आपको 140 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल जाता है और जो ग्राफिन बैटरी पैक के साथ आती है उसमें आपको 120 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाता है। मोटर की बात करें तो इसमें मिड ड्राइव मोटर दिया गया है जिसके मदद से ए इलेक्ट्रिक लोडर आपको 40 से लेकर के 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है। प्राइस की बात करें तो जो ग्राफिन बैटरी पैक के साथ आती है उसकी एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 1,06,000 रुपये और जो लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ आती है उसकी आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है 1,38,000 रुपये। यहीं पर अगर बात कर ले कुमाके कैट 2.0 की तो इसमें भी आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाएगा। गाइज, इसमें बैटरी पैक सेम ही दिया गया है लेकिन दोनों ही बैटरी पैक के कैपेसिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक में आपको 72 वोल्ट 31 एज का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको रेंज मिलेगा 95 से लेके 100 किलोमीटर की और एक में आपको 73 वोल्ट 42 एज का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको रेंज मिलेगा 110 किलोमीटर से लेकर के 140 किलोमीटर की।
मोटर की बात करें तो इसमें BLDC हब मोटर दिया गया है, जिसके मदद से इलेक्ट्रिक लोडर आपको 30 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। प्राइस की बात करें तो जो 110 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है उसकी एक शोरूम प्राइस है 1,14,000 रुपया, और जो आपको 95 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है उसकी एक शोरूम प्राइस है 1,01,636 रुपये। बात करें फीचर की तो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर में आपको कुछ नॉर्मल ही फीचर देखने को मिलेगा। गाइज कुमाके कैट 3.0 में आपको कुछ इस प्रकार का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, और कुमाके कैट 2.0 में आपको कुछ इस तरह का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर को आप फिजिकल की के साथ साथ रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इन दोनों ही इलेक्ट्रिक लोडर में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, तो गाइस ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। अगर आप रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कैरी करते हैं तो आपको कुमाके कैट 3.0 को परचेज करनी चाहिए, और चूंकि ये थ्री व्हील में आती है तो हैवी लोड के बाद भी इसका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप रोजाना कम से कम सामान को कैरी करते हैं तो आपको कुमाके कैट 2.0 को परचेज करनी चाहिए, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको काम के बाद आप एज ए स्कूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।